आगरा शहर, जिसे सारी दुनिया उसकी खूबसूरत इमारत ताजमहल और यहाँ पर हजारों साल पुराने शिव मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसने उन्नति के साथ अपने शहर की किताब में हर रोज नए पन्ने जोड़े, तो वहीं कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जो समय के साथ धुंधले होते जा रहे हैं। साइकिल रिक्शा, जो कभी बाजारों की, स्टेशनों की, बस स्टैंड्स की जान हुआ करता था, जो शहर की आवाजाही में एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था, आज वक्त के साथ कहीं वो खोता जा रहा है। और इन साइकिल रिक्शा चालकों की जिंदगी कठिनाइयों में और दर्द में कहीं खोती जा रही है। राजेंद्र कुमार है और हम गांव से आए हुए हैं। कम से कम हमको 40 साल हो गए मेहनत मजदूरी कर करके आप बच्चों को पाल रहे हैं और ये हमने ले रखी है, इससे से हम मेहनत करते हैं, इसी से गुजारा बसारा करते हैं। घर परिवार में पूरा परिवार है पर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, अपना खर्च सब चलाते रहते हैं पर हमको कोई सुविधा कहीं से नहीं मिल रही है। काम धंधे के लिए जाते हैं, कोई जगह लेता नहीं है, वो बुढ़ापे के हिसाब से, बड़े बूढ़े हिसाब से, और हम भी परेशान रहते हैं चारों तरफ से। रिक्शा चलाते हुए 40 साल हो गए थी, बस इसी से मैं गुजारा कर जाऊँ, इसी से मैं अपना कर जाऊँ। पहले मजदूरी थी, अब मजदूरी ख़त्म हो गई, अब मशीन चली गई है, रिकॉर्डिंग बो और जो नाम है सुविधा चली गई है, हम जैसे लोगों को पूछता भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या करने लायक है। इसी से हमारा यही है कि सहयोग मिल जाए तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और नहीं मिला तो हो जैसे काटते हम जिंदगी में। रिक्शे से कोई नहीं जाता है, पैसा कम लगता है और जल्दी पहुंचते हैं, ऑटो में चले जाते हैं, महानगर में चले जाते हैं और किसी भी रिक्शे से नहीं, बहुत ही एक आध कोई 100 में 10 सवारी डाल सकते हैं तो 100 रुपये कमाना मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। आप जो नमें बताओ हम क्या कर सकते हैं, हमारे दो वक्त की रोटी के लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए, हमको कुछ मिल जाए और हमें देने वाला तो कोई है नहीं है, बोलो क्या करें। चिलचिलाती धूप में, सवारी के इंतजार में और सवारी की तलाश में शहर के हर रोड पे आज ये बचे हुए साइकिल रिक्शा वाले आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। एक आध सवारी मिलने पर या तो वो अपने खाने का इंतजाम करें या चंद पैसे बचा के घर ले जाए, इसी सोच में वो सुबह से शाम सिर्फ साइकिल रिक्शा लेके घूमते रहते हैं। हर पल हर घड़ी इंतजार सताता है, मिलेगा रोजगार वो खुद को ही समझाता है, पूरे दिन के इंतजार के बाद भी नहीं मिलता एक रुपया। सोचो वो रिक्शे वाला अपने चेहरे पे झूठी हंसी लेकर कैसे घर जाता है। मैं रिक्शा वाला है चार के बराबर, ये दो टांग वाला, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला, कहाँ चलोगे बाबू, कहाँ चलोगे लाला। मैं रिक्शा वाला